So hello everyone, welcome to ye Parshala Monetization and I'm in discussion coach and the class 10th Odia Media Mathematics of Parimiti and Mensuration chapter 2 goes with the solve for you geometry exercise 5b question number 26. The question number 26 is a very interesting question. I can't get out a 7 centimeter basa the visitor thinity brutha porous parugus porsa gorjan. Correct. Tabisi kare brutha manangara bohista matra semanagotra abada ketra ketra para dosomikro duistana parjanta determine kora. Okay. Tam first question accordingly diagram go draw kora. Solve kare first step question jahadeji. Tha accordingly jade me diagram go correctly draw kore dele 50% of solution setting each. So, we have 7 cm radius wala tinita circle. Circle C1, C2, or C3. Each one of the radius is 7 cm. Ebang 7 porous parukus sparsa koru chali. Correct? Circle C1 ra center kona A, C2 ra center hoji B, or C3 ra center hoji C. Thik ache nai? Talse kahila tankara bahistha but se circle dwara abatitwa khetra khetra par determine kara jota ki moti red color re mark karchi e area ra khetra par kam determine karachi. केंद्र कौन करेगा? फर्स्ट सेवन कौन करेगा? सब बो सर्कल में सेंटर वाला को जॉइन कर दो। ए, बी, सी हमने जॉइन कर दिए। तालम को मिली वाला ए, बी, सी वाले ट्रायंगल मिली वाला। अब ये ट्रायंगल ना जहे तो सब बो बाहु उड़ी का समान है बे। ए, बी, सी ही जो हम लोगों के समो बाहु त्रिभुज हैं। आगे ने? ए, बी, सी ही अब समबाहु त्रिभुज रे इंच कोण हमने किते एंड चंदे 60 डिग्री करेक्ट एति रेंज हमने पाए गेले तो मोय रेड सेगमेंट एरिया किंदे फाइंड आउट करबी मु जदी ट्रायंगल एबीसी रो एरिया रो माइनस करि देबी वृत्तकण रो एरिया को एरिया ओडा को ए वाई एक्स दिस एरिया देखो ए एरिया रो माइनस कर देबी ए एरिया रो माइनस कर देबी आ ए एरिया रो माइनस कर देबी ताले मते कोण मिलि जबो ए रेड सेगमेंट रो एरिया मिलि जबो अगने हम पहले तीन टाइप वृत्तकार अच्छन्दी गोटे वृत्तकार होची ए एक्स वाई सेकंड वृत्तकार होची बी एक्स जेड और थर्ड होची सी वाई जेड रा क्षेत्रफल को माइनस कर दी बट तो मैंने तो मार्क करी बहुत तीन टाइप वृत्तकार रा क्षेत्रफल समान होगा कहीं कि ना तीन टाइप वृत्तकार रा सेंट्रल एंगल कौन रहूची सेंट्रल एंगल सेम रहूची अगर नहीं ये देखो ए जो तीन टा वृत्तकार रहे ले तांगर सेंट्रल एंगल 860 डिग्री यार 860 डिग्री अब यार 860 डिग्री रोची ता सहित तांगर बैसर तो भी सब वृत्तकार मानंकर समान रोची हगरे तेनु करी सब वृत्तकार मानंकर क्षेत्रफल भी समान होगा तो ए बी सी रो क्षेत्रफल रो यदि मो वृत्तकार ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल रो तीन गुण को माइनस कर देबी मते मोर आंसर टिक मिलिछु बुझै लेने तो फर्स्ट वन डिटरमाइन करबा ट्रायंगल एबीसी रो क्षेत्रफल जोडै हबो ओ समबाहु त्रिभुज रो क्षेत्रफल व्हिच इज इक्वल टू √3/4 इनटू बाहु रो स्क्वायर बा √3/4 इनटू 14 रो स्क्वायर एटा पाइ गेले नेक्स्ट हम माने जे कोन छोटो वृत्तकार रो क्षेत्रफल को फाइंड आउट करिया त माने एडी ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल को फाइंड आउट करे वृत्तकार ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल को फाइंड आउट करे व्हिच इज इक्वल टू हाफ इनटू एल इनटू आर हाफ इनटू चापर दैर्घ्य माने एक्स वाई चापर दैर्घ्य इनटू रेडियस एक्स वाई चापर दैर्घ्य हम केन डिटरमाइन करियो हम माने अनचंती ओले सर्कल रो चापर दर्घ्य हे जीव सेंट्रल एंगल इनटू आर जदि सेंट्रल एंगल को हम माने रेडियन रिप्रेजेंट करबा तो सेंट्रल एंगल इनटू आर मत दे जीव तार चापर दर्घ्य सो एल इक्वल टू थीटा रेडियन इनटू आर ठीक है जी ने एबे हमको सेंट्रल एंगल दे छी कोथरे डिग्री रे दे छी तो याको हमने कोन करबा रेडियन रे कन्वर्ट कर दो देखो 60 डिग्री होची केते रेडियन हमको फाइंड आउट करे छी 180 डिग्री होची पाई रेडियन तले 60 डिग्री हे जीव 3 डिवाइड करले 60 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन करेक्ट तले एल इक्वल टू कोन हे जीव एल एस जीव पाई बाय 3 इनटू आर बुझेला ताले ए एक्स वाई रे क्षेत्रफल हे जीव हाफ इनटू पाई बाय 3 इनटू आर आर वैल्यू जे 7 इनटू आर हगने तो हाफ इनटू पाई बाय 3 इनटू 7 इनटू 7 दे देबो मते ए एक्स वाई रे क्षेत्रफल तले मते अल्टीमेटली जो मार्क रेड एरिया इज जो रिक्वायर्ड एरिया अछि तार क्षेत्रफल मते केनते मिलिबो √3/4 इनटू 14 रे स्क्वायर माइनस 3 इनटू 1/2 इनटू पाई बाय 3 इनटू 7 इनटू 7 करेक्ट एदो किछो कैंसिल आउट होउछन्ती 3 3 कैंसिल आउट होउछि आ एटा 14 रो स्क्वायर जदि हम 14 इनटू 14 लिखि ताले गोटे 2 रे कटिबो ये 7 आ गोटे 2 रे कटिबो ये 7 ताले रहइबो कोन देखो √3 इनटू 7 इनटू 7 माइनस पाई बाय 2 इनटू 7 इनटू 7 मो पाख रहइबो ओके नेक्स्ट हमरा कोन करबे 7 इनटू 7 कॉमन नै जिबा कॉमन नै गेले 49 ताले रहले कोन √3 माइनस पाई बाय 2
तो हम क्वेश्चन कौन दे रूट थ्री जगह पुट करो 1.73 और पाई जगह पुट करो 3.14 करेक्ट. तो 49 इंटू 1.73 माइनस 3.14 डिवाइड बाई 2. सो 49 होल इंटू 1.73 माइनस 1.57 करेक्ट. तो 1.73 माइनस 1.57 0.1649 इंटू 16 डिवाइड बाय 100 मतलब फाइंड आउट करिया छि. तो 16 इंटू 49 मतलब कैलकुलेट करिया छि केमिति करे बहुत ही इजी. 16 इंटू 49 में लिख परिबे 16 इंटू 50 माइनस 1 16 गुण 5 केते 80. तो 800 माइनस 16 देबो मते 16 इंटू 49 रो रिजल्ट करेक्ट. तो 16 इंटू 49 इज 784. दिस इज 16 इंटू 49 इज 784 डिवाइड बाय 100 बाय 7.84 स्क्वायर सेंटीमीटर इज हमर ए मार्क रीजन रो एरिया बुझिएला. सो ये थी क्वेश्चन नंबर 26. आशा करूँ तुमने बहुत भल से बुझी पारि थी. एमने कौन कले बस ट्राएंगल एबीसी रो क्षेत्रफल रो माइनस कर देले 3 इंटू वृत्तकल जो तीन टा माने वृत्तकल पाइछंती ता भितर जे कोनोसी गोटे क्षेत्रफल को 3 मल्टीप्लाई करके माइनस कर देले हम पमरे रिक्वायर्ड आंसर मिलियला. नेक्स्ट क्वेश्चन मेन एसेंस होची कैलकुलेशन. तो जे कैलकुलेशन रो जते स्मूथली करबो ता पई क्वेश्चन रो सेते ही इजी बुझियला. सो बिफोर वी कंक्लूड दी डेज कह चाहिए फर्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज 5B र सल्यूशन मुझे यूट्यूब प्ले लिस्ट क्रिएट करती जो थी तुमने एक्सरसाइज सब क्वेश्चन सल्यूशन वीडियोस को गोटे जगह पापर. सेकंड थिंग इज स्पीड कैलकुलेशन नारे गोटे सेपरेट वीडियो सीरीज भी स्टार्ट करी जो थी मुझे डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स डिस्कस करी निजर कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करेंगे. इट्स अ हाईली रिकमेंडेड वीडियो सीरीज फॉर यू. सो मेक श्योर तुमने या फॉलो कर. दैट बीइंग सेड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.